आज हम बात करने जा रहे हैं इसोफेजियल स्ट्रिक्चर यानी कि अन्नली या आपकी फूड पाइप की सिकड़न या उसके ब्लॉकेज के बारे में। इस समस्या में मरीज को खाना निगलने में दिक्कत होती है, खाना रुक के जाता हो या अटक जाता हो, ऐसी समस्या होती है। अन्नली का स्ट्रिक्चर यानी कि इसोफेजियल स्ट्रिक्चर होने के कई कारण होते हैं। सभी कारणों में किसी प्रकार का अन्नली का डैमेज होता है और उसके हीलिंग के भाग रूप अन्नली सिकड़ जाती है। कॉमन कारणों में होता है कोरोसिव इंजरी यानी कि कुछ केमिकल या डैमेज करने वाले द्रव्य पदार्थ यानी कि लिक्विड गलती से ले लिए होते हैं, निगल लिए होते हैं, जिसकी वजह से अन्नली डैमेज होती है। इस प्रकार के कॉमन लिक्विड है एसिड, टॉयलेट क्लीनर या कुछ और केमिकल जो निगलने के बाद अन्नली को डैमेज करते हैं। बच्चों में भी ये काफी आम तौर पर होता है कि जब बच्चे अनजाने में घर में अवेलेबल इस प्रकार की लिक्विड पी जाते हैं। दूसरे कॉमन कारण होते हैं कुछ वायरल या फंगल इन्फेक्शन, टीबी के इन्फेक्शन की वजह से भी अन्नली में सिकड़न होकर इसोफेजियल स्ट्रिक्चर हो सकता है। और दूसरा एक कारण होता है एसिड रिफ्लक्स। जब मरीज को एसिड रिफ्लक्स लंबे समय से होता है और बहुत ज्यादा होता है तब उनको समय के साथ अन्नली के निचले हिस्से में जहां पे एसिड की वजह से डैमेज होता है वहां पे इसोफेजियल स्ट्रिक्चर होने की संभावना है। जिन मरीजों को इसोफेजियल स्ट्रिक्चर होता है उनको खाना निगलने में दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता है अगर उसका इलाज नहीं किया जाता है, यानी कि स्ट्रिक्चर समय के साथ ज्यादा टाइट होता है, जो ब्लॉकेज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसी तरह मरीज को खाना निगलने में दिक्कत भी बढ़ती है। शुरुआत में खाना अटक के जाता है ऐसा महसूस होता है, फिर ये आता है कि खाना नहीं ले पाते हैं, खाना रुक जाता है और सिर्फ लिक्विड ही लिया जाता है और समय जाते कई मरीजों को लिक्विड लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि कुछ मरीज अपना सलाइवा यानी कि अपनी खुद की लार भी नहीं निगल पाते हैं और उसको बार बार थूकने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अगर किसी मरीज को खाना निगलने में दिक्कत होती है तो बेहतर है कि सही समय पे उसकी जांच करवा के इलाज किया जाए ताकि बड़ी समस्या से बचा जा सके, कोई मेजर ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, उस तरह का इलाज किया जा सके। इसोफेजियल स्ट्रिक्चर के मरीज या सारे मरीज जिनको खाना निगलने में अटकन होती है उनकी शुरुआती जांच होती है बेरियम स्वॉलो की और एंडोस्कोपी की। बेरियम स्वॉलो की जांच में बेरियम नामक लिक्विड आपको पिलाया जाता है और एक्सरेज लिए जाते हैं जिसमें यह स्पष्ट होता है कि आपकी अन्नली में कौन सी जगह पे और कितना ज्यादा रुकावट है। बेरियम स्वॉलो का रिपोर्ट एक रोड मैप होता है जिसके आधार पे आगे की एंडोस्कोपी और बाकी के इलाज का प्लानिंग किया जाता है। एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप की मदद से आपकी अन्नली की अंदर की जांच होती है, आपकी अन्नली में कोई बीमारी दिख रही है या नहीं दिख रही है और जो इसोफेजियल स्ट्रिक्चर होता है वो कौन से लेवल पे है और कितना ज्यादा है वो स्पष्ट होता है। एंडोस्कोपी में जांच के साथ साथ इलाज का भी प्रावधान होता है यानी कि ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। एंडोस्कोपी के दौरान ही जब इसोफेजियल स्ट्रिक्चर दिखता है तब उसको डायलेटर की हेल्प से चौड़ा किया जाता है और अन्नली के रास्ते को खोला जाता है। उसके बाद में एंडोस्कोप को आगे ले जाके एंडोस्कोपी पूरी की जाती है ताकि अन्नली के दूसरे आगे के हिस्से में और जठर के अंदर कोई और समस्या है या नहीं वो कंफर्म किया जा सके। साथ साथ एंडोस्कोपी में बायोप्सी भी ली जा सकती है ताकि जो मरीज में स्ट्रिक्चर का कारण क्लियर ना हो उनमें कैंसर या वायरल फंगल या टीबी के इन्फेक्शन की वजह से यह स्ट्रिक्चर है या नहीं है वो कंफर्म किया जा सके। जो मरीज में स्ट्रिक्चर का कारण क्लियर ना हो वैसे मरीज में सीटी स्कैन या पैट सीटी स्कैन करने की जरूरत भी पड़ सकती है। इसोफेजियल स्ट्रिक्चर वाले कई मरीजों में खांसी होने की समस्या रहती है, उनकी सांस की नली में भी डैमेज हो सकता है और न्यूमोनिया भी साथ में होने की गुंजाइश रहती है।
ऐसी समस्या होने वाले मरीजों को कई बार ब्रोंकोस्कोपी भी जांच के रूप में करने की जरूरत पड़ती है। इसोफेजल स्ट्रिक्चर के इलाज के दो पहलू हैं। पहला पहलू, अगर इसोफेजल स्ट्रिक्चर किसी बीमारी की वजह से है, खासकर इन्फेक्शन वाली बीमारी, तो उस बीमारी का दवाइयों से इलाज जरूरी है, वो इलाज का पहला पहलू है। दूसरा पहलू है जो रुकावट है, इसोफेजल स्ट्रिक्चर है, जो मैकेनिकल ब्लॉकेज है, उसको खोलना ताकि मरीज नॉर्मल की तरह खाना पीना ले सके और मरीज का पोषण बना रहे। जो स्ट्रिक्चर को खोलने का इलाज है उसका सबसे प्रथम ऑप्शन विकल्प है एंडोस्कोपिक डायलेटेशन, जिसमें एंडोस्कोप की मदद से एक डायलेटर डाल के अन्नली को चौड़ा किया जाता है और स्ट्रिक्चर को खोला जाता है। ये इलाज का बहुत ही अच्छा विकल्प है जो सारे मरीजों में पहले इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोपिक डायलेटेशन रिपीट करने की या फिर से करने की जरूरत पड़ती है, कुछ हफ्तों के बाद इस डायलेटेशन को रिपीट करना पड़ता है और कुछ मरीजों में इसको 8 से 10 बार करने की जरूरत भी पड़ती है। बार बार करने की जरूरत पड़ने के बावजूद एंडोस्कोपिक डायलेटेशन ट्रीटमेंट का बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट विकल्प है और काफी सारे मरीजों को सिर्फ एंडोस्कोपिक डायलेटेशन से ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, खासकर अगर स्ट्रिक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो और बहुत ज्यादा टाइट ना हो। तो शुरुआती दिनों में जब मरीज का खुराक मुंह से लेना अच्छे से शुरू नहीं हुआ होता है, तब कुछ मरीजों को एक छोटा ऑपरेशन करके पेट के हिस्से से आंतों में एक ट्यूब डाली जाती है, जिसको फीडिंग जेजनोस्टोमी बोलते हैं। उस ट्यूब की मदद से क्रश किया हुआ या लिक्विड फॉर्म में खुराक आंतों में दिया जाता है, जिससे कि मरीज का पोषण और हेल्थ बनी रहे। बीमारी के शुरुआती समय में जब एंडोस्कोपिक डायलेटेशन नहीं कर सकते हैं या खाना जल्दी से शुरू नहीं हो सकता है, तब ये फीडिंग जेजनोस्टोमी के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वो टेम्पररी होता है और जब ये रास्ता पूरी तरह से खुल जाता है, मरीज अच्छे से मुंह से खा पी सकता है, तब उसको निकाल दिया। कुछ मरीजों में एंडोस्कोपिक डायलेटेशन मुमकिन नहीं होता है या इलाज का सही विकल्प नहीं होता है। ऐसे सारे मरीजों में एक ऑपरेशन की जरूरत रहती है, जिसमें एक नया रास्ता बनाया जा सके, जिससे कि निकला हुआ खुराक आंतों तक पहुंचे। ऐसे सारे मरीज जिनका अन्नली का ब्लॉकेज कंप्लीट होता है, यानी कि पूरा होता है, एंडोस्कोपिक डायलेटेशन बिल्कुल मुमकिन नहीं होता है। या ऐसे मरीज जिनका स्ट्रिक्चर बहुत टाइट होता है और डायलेटेशन करने में अन्नली फटने का जोखिम रहता है, या ऐसे मरीज जिनमें सालों से डायलेटेशन की जरूरत पड़ रही है और हर बार डायलेटेशन करने के बाद कुछ हफ्तों में फिर से स्ट्रिक्चर बन जाता है, इस प्रकार के सारे मरीजों में फाइनल इलाज के तौर पर ऑपरेशन के विकल्प की जरूरत रहती है। इस प्रकार के ऑपरेशन काफी जटिल रहते हैं, जिसमें पेट के हिस्से में, छाती के हिस्से में और गले के हिस्से में, तीनों जगह पे ऑपरेशन किया जाता है और जठर के हिस्से में से या बड़ी आंत में से एक ट्यूब बनाई जाती है जो अन्नली के रिप्लेसमेंट का काम करती है। आपकी डैमेज हुई या बीमारी युक्त अन्नली को अंदर छोड़ना या ऑपरेशन के दौरान निकाल लेना, वो कई चीजों पे आधार रखता है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें अन्नली को अंदर छोड़ना आपके लिए लंबे समय के लिए नुकसानदायक है, तो ऑपरेशन के दौरान अन्नली को निकाल लिया जाता है। ऐसे केसेस में छाती के हिस्से में थोरेकोस्कोपिक ऑपरेशन, यानी कि छाती के हिस्से में दूरबीन की मदद से अन्नली को निकालने का ऑपरेशन किया जाता है। और जिन मरीजों में अन्नली को नहीं निकालना होता है, वहां पे छाती के हिस्से में कोई चीरा नहीं आता है, पर आपके जो छाती की आगे की हड्डी होती है, जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसके पीछे से एक रास्ता बनाया जाता है, जहां से जठर या बड़ी आंत की ट्यूब को गले तक पहुंचाया जाता है और गले के अन्नली के हिस्से के साथ जोड़ा जाता है। जठर का ट्यूब बनाना है या बड़ी आंत का ट्यूब बनाना है, वो भी आपकी बीमारी की कुछ
स्पेसिफिकेशंस पे आधार रखता है। अगर कोरोसिव इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से आपके जठर पे भी कोई नुकसान हुआ है या असर हुआ है, आपका जठर नॉर्मल और हेल्दी नहीं है, तो फिर बड़ी आंत का हिस्सा लिया जाता है। और अगर आपका जठर अच्छा है, हेल्दी है, तो जठर की ट्यूब का भी इस्तेमाल रिप्लेसमेंट के तौर पे किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेशन काफी कॉम्प्लेक्स और जटिल होते हैं और इसीलिए इनका प्लानिंग अच्छी तरह से करना जरूरी होता है। ऑपरेशन से पहले सारी जांचें फिर से की जाती है ताकि ट्यूब के लिए कौन सा हिस्सा लेना है, कौन से रास्ते से ऊपर ले जाना है और अंडली को निकालना है या नहीं निकालना है, ये सारी चीजों का प्लानिंग किया जा सके। कॉम्प्लेक्स और जटिल होने के बावजूद एक बार हम ऑपरेशन को अच्छे से खत्म कर सकते हैं और ऑपरेशन के शुरुआती हफ्ते 10 दिन का समय अच्छे से निकलता है कोई मेजर प्रॉब्लम के बिना। उसके बाद में मरीज एक नॉर्मल जीवन जी सकता है, यानी कि मुंह से खुराक लेना शुरू हो जाता है और बाकी का जो उनका दिनचर्या है या नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल की तरह जी सकते हैं। बार बार डायलिटेशन की जरूरत नहीं रहती है, कोई और इलाज की जरूरत नहीं रहती है। तो इसीलिए जो भी ऐसे मरीज हैं जो इस प्रकार की तकलीफ से पीड़ित हैं, कई बार मायूस हो जाते हैं, उनको रास्ता नहीं दिखता है या कई बार सही सलाह नहीं मिल पाती है कि इस प्रकार के ऑपरेशन से इसका परमानेंट सॉल्यूशन आ सकता है, उनको मायूस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के ऑपरेशन जहाँ पे भी होते हैं वैसे हॉस्पिटल या डॉक्टर से एक बार मुलाकात करनी चाहिए और ज्यादातर मरीजों में इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकल आता है। आशा रखता हूं कि आपको ये जानकारी मदद रूप रही होगी। अगर आपको अन्नली में रुकावट या स्ट्रिक्चर की वजह से परेशान है और कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मदद करने के लिए और गाइड करने में हमें बेहद खुशी होगी।